हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शिशुओं की देखभाल के लिए जागरूकता अभियान, गांव के लिए रथ यात्रा रवाना। उपखंड अधिकारी रामजी भाई कलबी ने हरी झंडी दिखाकर रथ किया रवाना। विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत सोमवार को HDBFC प्रोजेक्ट के तहत ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट, मदर एंड चाइल्ड, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में रथ यात्रा को उपखंड अधिकारी रामजी भाई कलबी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ यात्रा ब्लॉक रेवदर व सिरोही के विभिन्न गांव की गलियां व मोहल्ले में जाकर बच्चों को स्तनपान करवाने के लिए जागरूकता का काम करेगा। यह रथ यात्रा पहले मुख्य ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में विश्व स्तनपान को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी ने कहा कि बच्चे को एक घंटे के अंदर माँ का पहला पीला गाढ़ा खीस शिशु को अवश्य पिलाए, जिससे शिशु को बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। वहीं शिशु के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। कार्यक्रम में मुख्य ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नितेश शांखला ने कहा कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को स्तनपान के बारे में बताया। साथ ही कहा कि घर घर जाकर माता और पिता दोनों की काउंसलिंग करते हुए स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करने की बात की। उन्होंने बताया कि संक्रमण की स्थिति में भी बच्चे को दूध पिलाना सुरक्षित है। 2 वर्ष तक स्तनपान हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। स्तनपान माँ और बच्चे के स्वास्थ्य रहने का आधार भी है। ममता संस्था के कार्यक्रम अधिकारी जबराराम ने कहा कि ANM आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से अधिक माताओं को स्तनपान कराने के लिए प्रेरित करने की अपील की। जागरूक टीवी के रेवदर से विक्रम कुमार डाबी की रिपोर्ट।